युवा क्रिकेट क्लब के द्वारा आज चौथा लिंग मैच कराया जा रहा है। इस मैच के मुख्य अतिथि थे आज भाई सेना के अध्यक्ष उत्तम सहनी। आज उत्तम सहनी के द्वारा इस मैच का फीता मैच का उद्घाटन किया गया और कंछेदवा और कठैया के बीच आज का चौथा लिंग मैच खेला जा रहा है। मेरा नाम उत्तम सहनी हुआ, मैं एक संस्था चलाता हूँ भाई सेना जिसका नाम है। आज का जो मुकाबला में कठैया और कंछेदवा के बीच मुकाबला जो खेला जा रहा है आज का बहुत रोमांचक मैच, चौथा लिंग मैच है आज पे यहाँ पे जो हो रहा है। और यहाँ पे नौजवान साथी लोग बुलाया है, लोग पप्पू भाई पंकज जी सब लोगों ने आमंत्रित किया मुझे, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यह जो क्रिकेट खेल है सद्भाव का है, आपसी भाईचारे का है और क्रिकेट से एक बहुत बड़ी फायदा होती है हम लोगों के बीच। यह जो क्रिकेट है टूर्नामेंट जो खेला जाता है इससे बच्चा सब नशापान से भी बच्चा दूरी करता है, इसलिए खेल जरूरी है समाज के लिए। और क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सारे खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुश्ती भी करे आप लोग अच्छा हो, हम लोग दंगल भी करवाते हैं, टूर्नामेंट पहले हम भी करवाते थे, बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं टूर्नामेंट में जाते हैं। आज यहाँ पे वरीय पत्रकार पप्पू भाई और उनके छोटे भाई पंकज जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस पन्नापुर के पावन धरती पे पहुँच कर। धन्यवाद। धन्यवाद भाई हमारे लाल बाबू भाई जी, हम आपने मुझे मौका दिया इस पावन अवसर पे जहाँ पे नौजवानों का जमवाड़ा है, यह सबसे बड़ा जगह है। हम लोग देखते हैं कहीं पूजा पाठ होता है वो भी एक जगह है, लेकिन जहाँ पे 100-200 नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा जगह है। क्योंकि यह जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इससे आपसी सद्भाव बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है और क्रिकेट जो खेल है वह आदमी को फिटनेस भी कर रखता है, जिससे नशा मुक्ति से बच्चे दूर भी जाते हैं। बाहरी स्टेट में गवर्नमेंट क्रिकेट के लिए पैसा भी देती है, क्रिकेट खिलाती है, जिससे बच्चा सब नशा से दूरी बनाए। और मैं आप सभी को एक अपना आप बीती कहानी बताना चाहता हूँ। समय 2015 की बात है, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मुझे कुछ राह नहीं दिख रहा था। तो उस समय मैं मोतिहारी में था तो मैंने डेरा से निकल कर सोचा कि मेरे मित्र के मजुराम है, मैं उनसे मिलने जाऊं। लेकिन वहां पर नहीं जाके मैंने फोन किया गांधी मैदान के पास से, जेल के गेट के थोड़ा सा आगे से, तो वहां पे मेरे मित्र सोनू जी का फोन नहीं लगा। तो मैं सोचा कभी नहीं लगा, मैं बहुत डिप्रेशन में सोचता हूँ, गाड़ी वे पे मैंने लगाया और गांधी मैदान में जाके बैठ गया। वहां पे मैंने नौजवानों को देखा कि 100-200 नौजवान दौड़ रहे हैं, उनको मैंने लगातार 1 घंटा बैठ के वहां पे दौड़ देखा उन लोग का। उसके बगल में टूर्नामेंट हो रहा था, टूर्नामेंट भी 10 मिनट देखा। और उसके बाद मैं लगभग 30 दिन से डिप्रेशन में था, लेकिन नौजवानों का दौड़ देखकर और बच्चों से टूर्नामेंट देकर मेरा डिप्रेशन दूर भाग गया और मेरा निगेटिविटी मेरे अंदर से निकल गया। तब से मेरे लिए कोई कहता नहीं कहीं कोई समस्या हो तो मेरा कोई तबियत भी मेरा खराब होता है तो मैं सबसे पहले नौजवानों के बीच जाता हूँ और देखता हूँ जहाँ 100-200 नौजवान, 10-20 नौजवान इकट्ठे रहते हैं उनके पास अगर मैं खड़ा होता हूँ मुझे अशासित शक्ति मिलती है, बहुत ताकत महसूस होता है, जिससे मैं बहुत उज्ज्वलित महसूस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्रिकेट क्लब का, खासकर पप्पू भाई, पंकज भाई और यहाँ के मंत्री बाबू कुशवाहा जी का और इस कमिटी के सारे सदस्यों का, इस गांव के जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर उद्घाटन करने का मौका दिया। मैं बहुत ही गर्वित महसूस करता हूँ। मेरे साथ उपस्थित है अरुण भाई जो हमारे बड़े भाई है और हमारे राम है जो मेरे साथ उपस्थित भी है, मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय चंपारण, जय बिहार, जय खेल जगत।